ये खबर राजस्थान के टोंक जिले से है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना स्वागत योग्य कदम है और देश की एकता और अखंडता के लिए यूसीसी की आवश्यकता है। टोंक से कजोड़ गुर्जर की रिपोर्ट। उसमें संवाद है, उसके लिए संगठन की तरफ से मुझे टोंक जाने का आदेश हुआ, तो उसके तहत मैं आ रही हूँ। कमरावास जो पंचायत अपने राजस्थान की 12,000 पंचायतों में और जो नगर निकाय हैं वहाँ सब जगह LED लगाकर एक कार्यक्रम आम जन के साथ कार्यकर्ताओं को सुनने का कार्यक्रम है, उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि पहली बार मोदी सरकार के आने के बाद आधी आबादी को जो एक तरह से कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग में जो उनको भागीदारी मिलने का काम हुआ है, उनको उनके बारे में सोचने का काम, आज इंदिरा आवास हो तो वो 70% महिलाओं के नाम है, मुद्रा योजना के लोन 68% है, आत्मनिर्भर भारत को गति देने का काम नारी शक्ति कर रही है और उस आदि आबादी को सशक्त करने का काम और वास्तव में आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार को सशक्त कर रही हैं। उन सभी बहनों के साथ आज हम लोग संवाद करेंगे और मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसको सुनेंगे।